हेलो हाय नमस्कार पहला को प्रणाम। आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ फिर से एक नए ब्लॉग में। तो गाइज आज के ब्लॉग की शुरुआत शाम के टाइम से हो रही है। आजकल रोजाना शाम से ही हो रही है, दिन में कहीं और गया था मैं, वो विनीता के ब्लॉग में देख लिया होगा आपने। हमारे यहाँ पर पड़ोस में ना किसी को सांप ने बाइट कर दिया था। अब बाइट करा नहीं करा पता नहीं, उनको थोड़ा सा वो हो गया था कि मन में भ्रम हो गया था, कराया करके उनको एडमिट वगैरह कराने गए तो सुबह से टाइम नहीं मिला। सुबह सास ससुर लोग भी चले गए हैं आज। क्या कह रहे हो, तभी ज़्यादा खुश दिख रहा है? मजाक कर रहा हूँ यार, खुश नहीं यार, गम। पैसे नहीं देखे गए ना मुझे ये वाला भी मजाक कर रहा हूँ, वो देखते हैं यार मेरे ब्लॉग तो आप सभी को डामर भाई की तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि चल रही है तो आप लोग सब लोग हैप्पी रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो और खुशियाँ बांटते रहो। तो एक बार कमेंट में लिख दो ऑल सेट सिस्टम। तो अभी मैं क्या कह रहा था, क्यों रेडी हुआ हूँ मैं, अभी हम लोग जा रहे हैं फिलहाल, हम लोग फिलहाल अभी जा रहे हैं चकरपुर। थोड़ा सा पैसे वगैरह निकालने थे, मुझे काम है, ज़रूरत है कुछ, तो उसके लिए पैसे लेके आने हैं। तो मैं विनीता को लेके जा रहा हूँ, विनीता आएगी मेरे साथ में। विनीता क्या कर रही है देखते हैं अंदर चल के। तो अंदर आती है आपको सबसे पहले टीवी चली हुई मिलेगी, लेकिन टीवी देखने वाला कोई भी नहीं मिलेगा क्योंकि बच्चे तो सब ऐसी टीवी वो भी ऑन कर कुर के चले जाते हैं। मैं कह रहा हूँ अंधेरा क्यों दिख रहा है, मैंने चश्मा पहना था इसलिए अंधेरा दिख रहा है। विनीता देवी जी यहाँ पे बर्तन वर्तन धो रही हैं और सब्जी बनाने की तैयारी कर दी है इसने। यहाँ पे रखे हैं मटर वगैरह और ये दूध रख दिया जो कि अभी थोड़ी देर बाद उबाल जाएगा, नीचे गिरेगा तब जाके इसको उठाएगी, उससे पहले नहीं उठाएगी। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं विनीता देवी जी, बताइए। विनीता को ले जा रहा हूँ मैं लॉन्ग ड्राइव में, तो चलते हैं फिर। अंदर काला दिख रहा हूँ, बाहर दिखूंगा मैं तुम्हें सिस्टम वाला अच्छा खासा, कपड़े उपड़े चेंज करूंगा नहीं करूंगा पता नहीं, तो सीधा मोटो ब्लॉग में मिलता हूँ या फिर आगे मिलता हूँ। तो यार रियल में मतलब मैंने ये कैमरा आज इनका वीडियो बनाने लगी तो मुझे लग रहा है कि मैं भी बिल्कुल ऐसी दिख रही हूँ जैसा वो कहते हैं अपने ब्लॉग में, डामर डामर जैसा। तो कहीं को निकल रहे हैं आप लोगों को तो पता ही है, और बच्चों को हमने घर पे छोड़ दिया। देखो टीवी लगा दी इन लोगों ने, बच्चा पार्टी घर पे रहना, शैतानी नहीं करना, हाँ बस परेशान नहीं करना दीदी को, दीदी बहने का ख्याल रखना हंस रही है, ख्याल रखते हैं बहने का, हाँ झगड़ा नहीं करना बहनी से, ठीक है बहनी आप भी मत करना झगड़ा, ओके। तो अब निकलते हैं फिर, शाम का टाइम हो गया है और आज वैसे ना मौसम बिल्कुल साफ हो रखा है, धूप अभी तक चमक रही है, और एक टाइम था जो कि 6 बजे तक अंधेरा हो जाता था ना, अरे बहुत अंतर हो गया। देखो अब अंतर तो हो ही रहा है पूरे, अंतर तो दिख ही रहा होगा दोनों के चेहरे में देखो ना कितना प्यारा अंतर, कितने प्यारे लग रहे, गोरा आया हूं। अरे गोरे तो हो ही, तेरे को बोला किसने हाथ लगा इस कैमरे में पकड़ करके? हाँ मेरे को बड़ा मस्त लग रहा था, मैंने सोचा कि गोप्रो से मैं भी बनाऊं करके, अच्छा तो लगता ही है ना मुझे भी, क्या क्या फिर पकड़ दिया तू बे फालतू, मेरे चैनल में भी अपना मुंह दिखा देती है, उनको डामर देखना है तो डामर ही देखना है उन्हें। तुम ही देख लो, अपने डामर को देखो चलो। तो गाइस निकलते हैं, बिन्नी भी कब अच्छी नहीं है, बिन्नी अच्छी है कह दो गाइस, बिन्नी गंदी है क्या? गंदी है गाइस, सच्ची अच्छी बताना। तो निकलते हैं आगे, मिलते हैं रोड में, डामर वाली रोड में। तो हम लोग घर से तो निकल गए हैं और काफी दूर भी पहुंच चुके हैं हम लोग, चलते चलते हवा ले रहे हैं ठंडी ठंडी, साथ में मेरे स्वामी जी हैं। ये चलते चलते आइए, मैं गाड़ी चला के आया हूं, बताओ पहचानो कोई, पहचानता है तो कोई आस पास है तो ठीक है, स्कूल है कि घर है कि ये सिस्टम है, स्कूल ही होगा और क्या होगा, स्कूल है गाइस, ये स्कूल है, यहाँ से नौगवानाथ लग जाता है और उससे आगे बिचपुरी फिर चक्करपुर। तो गाइस इतना तो मैं भी जानती थी, मैंने मेरे को क्यों बताया, वापस ले लो बताया हुआ, वापस ले लो जा रहे थे यार, सारे टहलने के लिए जा रहे हैं हम लोग,
तो फाइनली पहुंच गए हम चकरपुर मार्केट में और यहाँ पे सामने एटीएम में पैसे वगैरह निकालते हैं, फिर चलेंगे कहीं। सिस्टम के बाद दे देता हूँ अब ये। चलो लाओ, मैं ही देखती हूँ। अब खुद तो चले गए हैं पैसे निकालने। कह रहे हैं नहीं क्या खा रही है बल, मैंने कहा क्या खाऊँ यार रात को, घर मटर छिलके आई हूँ, आलू छिलके आई हूँ, आलू मटर की सब्जी खाऊंगी बढ़िया वाली घर में, यहाँ जो खा रहा है ये ऐसा पत्तों ने जी होगी। और थड़ी नगर रह गया भीतर वाल बिहार ने उन मरिया शायद जी होगी हो भीतर वाल बिहार ने उन मरिया उन्होंने नंबर लगा रहे सर मैं करूँ नंबर सर दूसरा है तीसरा है। और तब तक आप देखो यहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं रोड में, मेन रोड है ये चकरपुर की हाईवे। भाई साहब यहाँ पे दो बच्चे बैठे हुए हैं ट्रैक्टर में और मैंने देखा दूर से क्या बोल रहे हैं जरा इनके मुँह से सुनो क्या बोला बच्चों। सिस्टम, ये सिस्टम, ये भी बोल दे सिस्टम, ये तुमने देखा देखा तुमने हमको पहचान लिया था। कहाँ रहते हो? चकरपुर यहीं पे घर है। ये है आपका घर यहाँ? ये इधर पे है। अच्छा उस साइड को है? ईस्ट इधर से मल्टन आ रही है ईस्ट। अच्छा कितने में पढ़ते हो आप? सेकंड है। बाय बाय बाय, यहीं रहते हैं यहीं रहते हैं। अच्छा ये सिस्टम अच्छा मजा आ गया तुमसे मिलके, अच्छा लगा। और देखना वीडियो देखना, क्या देखते हो? फ्रेंड देखते हो? प्रैंक सारे व्लॉग भी देखते हैं। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलो फिर चलो काम तो नहीं हो पाया यार। ओ यार जिस काम के लिए आए थे वो काम नहीं हो पाया कह रहे हैं, चलो फिर आप घर को निकलते हैं। तो देखो शाम का खाना बनने लग गया है, खाने में आज है मटर आलू टमाटर की सब्जी और इसने मोमो खाए वहाँ। बच्चों के लिए लाई तो मोमो लाई नहीं लाई लाई ना बच्चों कितने लाई? छह मोमो मिले थे, छह में से चार ही खा गए, दो मैंने खाए। अब बताओ ना नई इंसाफी किसके साथ है? मेरे साथ, क्योंकि मैंने ज्यादा आक्रोश में है। जनता आक्रोश में है, जवाब चाहिए उसको। सिस्टर तो इसके बाद खाना वाना बनाएंगे और आटा गूंद दिया तुमने? हाँ मैं सोच रहा था यार आटा वाटा मैं ही गूंदूंगा और खाना मैं ही बनाऊंगा आज रोटी वगैरह, लेकिन इसने पहले ही गूंद के सिस्टम कर दिया। कोई बात नहीं, कभी कभी इसको भी गूंद लेना चाहिए क्योंकि ये कभी कभी तो इसको मौका मिलता है ना गूंदने का आटा और सब्जी बनाने का। वो कभी कभी आपको मिलता है भाई साहब। आज मेरे आप भाई साहब समझाओ कोई इसको, नहीं तो मैं समझाऊंगा ना फिर किसी दिन। कभी अच्छा कभी गूंदते हैं ना इसलिए पता नहीं चलता है कि कब गूंदना चाहते हैं करके। रोज गूंदने वाले होते तो इनके हवाले रख देती कि हाँ भैया इन्होंने गूंद रहे हैं। बिच्छू दौड़ा करते हैं। नहीं रियलिटी बात ही है, ये कभी कभी गूंदते हैं। अब रोज गूंदने वाले होते तो मुझे लगता है कि भैया उन्होंने गूंदना है तब मैं इनके लिए रखती। और हाँ बहुत सारे लोग बोल रहे थे मेरे को कि आजकल गोरा हो रहा है। एक हमारे सब्सक्राइबर दादा भी है ना बन बसा के, उनका वीडियो कॉल आया था कल, कह रहे यार आजकल गोरा हो रहा है क्या लगा रहा है। मैं नहीं हूं क्या गोरी? तू अपनी बात मेरी तारीफ कर दो, मत करो। तुम बता रहा मैं हुआ हूं नहीं हुआ हूं? गोप्रो में तो पता नहीं कैसा दिखता हूं मैं, इसमें कैसा दिख रहा हूं मेरे को अब समझ आया क्यों काल गोरा क्यों काला दिख रहा हूं आजकल। गोप्रो में कालो दिख रहे हो यार डामर। चलो फिर यार डामर लिख दो, फिर डामर लिख दो बस। नहीं मेरी बात समझो, तुम गोप्रो में ज्यादा अच्छे गोप्रो में ज्यादा अच्छे दिख रहे थे इसलिए कह रहे थे, अब वो अच्छे दिख रहे थे ये बहुत अच्छे दिख रहे। चलो फिर खाना वाना बनता है उसके बाद खाएंगे और जो भी होगा आपको दिखाएंगे। आज विनीता मेरे लिए गाना सुनाएगी, अभी प्रैक्टिस करती थोड़ी देर में खाना थोड़ी देर में सुनाएंगे, थोड़ी देर में मिलते हैं। ये देखो भैया खाना कम कम बनाया जा रहा है, बच्चों का चुटान ज्यादा हो रहा है इधर। क्या बात क्यों हो रही भाई इनकी सुताई? बहुत देर से सुन रहा हूँ मैं, सुताई क्यों करी जा रही है इनकी? पेपर था इसका, लिख के गुस्सा आए होंगे? नहीं लिख के आई नहीं है, गुस्सा नहीं आएगी, जो जो पढ़ा रखा है वो सारी चीजें आई है। तो गुस्सा तो इस पे भी आना चाहिए सिस्टम पे। हट सिस्टम, सिस्टम ने पूरे बाल बना दिए तेरे। हट ना अभी पहुंच रखी है वो इधर। अब बताओ गाइस सिस्टम और मेरे में कॉमन क्या है, क्या दोनों ने एक जैसा लग रहा है आप दोनों में? कमेंट में बताना आप, फिर मैं बता रहा हूँ हम दोनों में एक जैसा क्या लग रहा है ये बताओ। क्या है हम दोनों में एक जैसा?
तू बता हम दोनों में एक जैसा क्या है? क्या है हम दोनों में एक जैसा है? क्या है? है? क्या है? इसको बता नहीं। तो हम दोनों के जो कपड़े हैं ना सेम सेम है, पैंट भी काला, इसका भी पैंट काला, मेरी भी ये शर्ट काली, इसकी भी ये, हाँ हाई नेक भी है हम दोनों के पास, दोनों सेम सेम हाई नेक ही पहना है इसने भी, हाई नेक नहीं मतलब क्या कहते हैं उसको, जो भी कहते हैं यार मुझे नहीं पता। तो दोनों ने सेम सेम पहना है और यहाँ पर किचन में खाना कम बन रहा है, चुटान ज्यादा होती है इसकी, देख लो किताब पढ़ाया जा रहा है इनको। अब इनके पेपर हो गए, आज सारे पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, अब दूसरी क्लास की पढ़ाई चलेगी, लेकिन जो माँ होती है ना वो पुरानी क्लास की पढ़ाई कराती है, फिर होती है सुल्तान।